विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की और प्रार्थना एक विश्वास बीज बनेगी। प्रार्थना एक विश्वास बीज बनेगी, वो भी बीज है। अगर सही ढंग से तुम्हारी बेस्ट प्रार्थना तुम करते हो तो वह विश्वास बीज है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बड़े और बड़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले, अदृश्य नियम सभी पर काम करें, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं, शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे, सभी उस अनंत जागृति में
स्वयं को पहचान पाए। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाए, झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाए। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाए। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से
प्रत्यर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। गुरु का अर्थ क्या है? जो अंधेरे को प्रकाश के द्वारा गायब करता है। तो ये प्रकाश आ जाए, ये तरीका सामने आ जाए, फिर आप समझ के साथ प्रार्थना करोगे और प्रार्थना एक विश्वास बीज बनेगी। प्रार्थना एक विश्वास बीज बनेगी, वो भी बीज है। अगर सही ढंग से तुम्हारी बेस्ट प्रार्थना तुम करते हो तो वह विश्वास बीज है, और विश्वास बीज डालते ही अगला कार्य शुरू होता है। वही हम एक एक कदम करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हमने समझा गुरु का रोल क्या है, फिर हमने समझा कि जीवन इस तरह कार्य करता है, हम कुछ डालते हैं वह कई गुना बढ़कर हमें मिलता है। जो किसान करता वही इंसान करे, इतना ही सीक्रेट आप जान गए तो ये सब आसान है। ऐसा मैं क्या डालूं जिससे फिर जो मुझे मिले वो ईश्वर से कम न हो। गुरु पहले क्या सिखाएंगे? अच्छा तुम्हारी ये समस्या है, तुम्हारी जरूरत है, अच्छा ये बीज डालो, ये विश्वास बीज डालो, अब तुम्हारा वो काम हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये करो, ये तुम्हारा काम हो गया। अच्छा अब अल्टीमेट चीज चाहिए क्या, सबसे बड़ी चीज चाहिए क्या? तो अब कौन सा बीज डालना होगा? क्योंकि वो बीज की परख देते हैं। कौन सा बीज, तेज बीज जिसकी परख हो, वह हम डालें तो ईश्वर ही हमें मिले। कौन सा बीज डालने के बाद ईश्वर खुद आता है? कुछ बीज डालते हो तो ईश्वर खुद नहीं आता, अपनी चीजें बेचते रहता। अच्छा ये बीज डाला इसको ये दे दो, उसने ये बीज डाला इसको ये दे दो। पर एक समय आता है कि इंसान ऐसा बीज डालता है उसको खुद ही आना पड़ता है। नियम जो बना है उसके लिए आना ही पड़ता है, अपने ही नियमों में बंधा हुआ। ईश्वर क्या है? अपने ही नियमों में बंधा हुआ। कोई ऐसा कर सकता है ना? खेल में क्या करते हैं? हम खुद ही नियम बनाते हैं ना, देखो इस लाइन से बाहर नहीं जाना। क्यों बनाते? उससे मजा आता है। कैरम बोर्ड पर लाइन ही नहीं बनाओ, निकाल दो सब लाइन, क्या होगा? खेल का मजा आएगा? नहीं आएगा। आप खुद ही लाइन्स बनाते हो फिर अच्छा लगता है। ईश्वर ने भी खुद नियम बनाए इस संसार के। अपने ही नियमों में बंध कर वह आता है। गुरु वह सीक्रेट्स बताता है, ब्रिज है, पुल है, ये नहीं बताता देखो ये इस तरह होता है। इंसान जब वह विश्वास रख पाता है तो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। अच्छा स्वीकार करने के लिए कहा है, लगता तो नहीं स्वीकार करूं, मगर अभी कहा है तो करना पड़ेगा, करके देखते हैं। एक एक करके वो जब करते जाता है रिजल्ट्स आती है, परिणाम आता है। और फिर कहता है ये सब परिणाम आए तो मैं अल्टीमेट बीज डालूं, सबसे बड़ा बीज डालूं, सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करूं। अगर ये हो जाए तो महाभाग्यशाली हो गए। तो ऐसा क्या डालना है, क्या विश्वास बीज डालना है? विश्वास बीज सब काम कर सकता है, सिर्फ आपको समझना बाकी है। ये तो पता चल गया विश्वास बीज से सब कार्य होने वाले है, जो भी आप चाहते हो। अब ये करना कैसे है, डालना कैसे है, कौन से नियमों का पालन करना है, डालकर चले नहीं जाना है, जमीन छोड़कर रुकना है, पेशेंस रखना है, अगर ये सब नियम पालन किए तो सब होने वाला है। जो आप चाहते हो, जिसमें ना सिर्फ आप आनंदित होगे, आपके आजू बाजू में जो भी है सभी आनंद लेने वाले है। तो नियम समझ लो, ये जीवन का नियम क्या है? नियम है दिया जाता है फिर लिया जाता है, दिया जाता है फिर लिया जाता है। अब ये नियम उल्टा हो गया है, लिया जाता है फिर दिया जाता है, लिया जाता है फिर दिया जाता है।
मिलता नहीं इसलिए देते नहीं, मिलता नहीं इसलिए देते नहीं, देते नहीं इसलिए मिलता नहीं, सब गड़बड़ हो गई। ये थोड़ा सा फर्क आ गया मगर सब गड़बड़ हो गया, हर एक रुका हुआ है। कोई और ध्यान देगा तो मैं ध्यान दूंगा, कोई और मेरा बर्थडे याद रखेगा तो मैं उसका बर्थडे याद रखूंगा। मेरा नहीं याद किया मैं क्यों याद करूं, मुझे गिफ्ट नहीं दी मैं क्यों दूं, तो रूल उल्टा हो गया। तो सभी रूल्स को सीधा करके आपको बताया जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।